तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नई वीडियो में। 1987 ये वो टाइम था जब लोग सुबह उठकर फोन की नोटिफिकेशन के बारे में नहीं अपने काम के बारे में सोचते थे। बच्चे घर बैठे पबजी नहीं बाहर जाकर गिल्ली डंडा खेलते थे और टूरुल अप वाले व्हाट्सएप में इमोजी के साथ मैसेज नहीं पेपर पेन लेकर लव लेटर पे काम चलाते थे। मतलब उस टाइम में मोबाइल नहीं था, हर रोज 2 GB डाटा देने वाला जियो नहीं था, ना ही OTT प्लेटफॉर्म था, ना ही सोशल मीडिया था और ना ही यूट्यूब का जलवा था। सभी लोग पबजी, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के बिना ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर भी शायद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। कमी था तो शायद एक बात की और वो है एंटरटेनमेंट। मतलब उस टाइम में भी बहुत ही अच्छी फिल्में बन रही थी लेकिन सारा फिल्में एक ही जैसा लग रहा था। हीरो हीरोइन गाना और गुंडे, बस इसमें कुछ कमी नजर आ रही थी। तो तभी शायद हमारा बी गुप्ता भाई साहब ने हमारा इंडिया वालों से ये वादा किया कि वो ये कमी को पूरा करेंगे और सारा भारत वासियों को कुछ नया दिखाएंगे और वो लग गए अपने काम में। वो खुद ही राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनके एक मूवी बनाए सुपरमैन। अरे ये वाला नहीं, हमारा देसी वाला। हाँ ये वाला। अबे क्या बताए, सोचा तो उन्होंने ठीक ही था, कोई सुपर हीरो मूवी हमारा यहाँ तभी बन भी तो नहीं रहा था, लेकिन इतना भी क्या मजबूरी था यार। लोग भले ही सुपर हीरो मूवी देख नहीं पाते थे लेकिन कोई अच्छा मूवी तो देखते थे, पर हमारा बी गुप्ता भाई साहब ने तो सुपर हीरो बोलकर एक कॉपीकैट मूवी बना दिए और फिर हम जैसे ऑडियंस फिर दुखी के दुखी ही रह गए। भाई बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन ये सुपर हीरो फिल्म के बारे में क्या ही बताएं। ये फिल्म ने इतना सारा कॉपी किया है कि किसी ने सोची ना होगी। पहले सुपरमैन का स्टोरी, फिर सुपरमैन का सीन, उसके बाद सुपरमैन का कॉस्ट्यूम और आखिर में सुपरमैन फिल्म की टाइटल भी। पर इतने में भी हमारा डायरेक्टर साहब का मन नहीं भरा जो उन्होंने सुपरमैन फिल्म का वीडियो क्लिप्स को भी उठा लिए, वो भी एक दो या थोड़ा बहुत नहीं, इतना सारा सीन की आप गिन भी नहीं पाओगे। मानो ये लोग VFX का कुछ काम किए ही नहीं। पहले तो स्टार्टिंग का ही सीन, फिर सुपरमैन को धरती पे भेजने वाला पूरा 5 मिनट का सीन, फिर क्रिस्टल वाला सीन, हेलीकॉप्टर वाला सीन, सुपरमैन का सारा उड़ने वाला सीन, ट्रेन वाला सीन, क्लाइमैक्स का सारा सीन, पर बचा ही क्या है यार। वैसे देखा जाए तो कुछ है जो ये लोग खुद से बनाए हैं, लेकिन वो जानने से पहले आप इसका कुछ सीन देख लो। चलो देखते हैं कि इतना सब करने के बाद हमारा डायरेक्टर साहब इसमें खुद का अलग क्या मिलाते हैं। पहले तो गुंडा भाई का 4-5 आइटम सॉन्ग जो कि सुपरमैन में नहीं था, फिर बेबी सुपरमैन का सुपर डांस, ये भी ओरिजिनल सुपरमैन में नहीं था, उसके बाद प्लेन की हाईजैक वाला ओवर एक्टिंग। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, चले 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। फिर प्लेन को लैंड करने वाला ये यूनिक सीन, ये भी सुपरमैन में नहीं था, उसमें भी कुछ ऐसा था लेकिन वो इतना यूनिक नहीं था। फिर यहाँ हमारा गुंडा भाई का एक गुंडी लड़की वाला टीम है जो कि सुपरमैन में नहीं था, मतलब था उसमें भी एक लड़की लेकिन इसमें लड़कियों की नंबर ज्यादा है ना भाई। फिर इसका वो अनाथ आश्रम वाला सीन जहाँ हमारा देसी सुपरमैन भाई साहब अनाथ बच्चों को पेट भर खाना खिलाते हैं, ये भी 1978 का सुपरमैन में नहीं था। फिर सुपरमैन के ऊपर बम फोड़ने वाला सीन, गुंडा और गुंडा फाइट करने वाला सीन, कॉमेडियन का एक्स्ट्रा हीरोगिरी सीन, ऐसे कुछ छोटी मोटी सीन डाला गया है जो कि ओरिजिनल सुपरमैन में नहीं था। पर क्या फायदा भाई, फिर भी तो हमारे डायरेक्टर साहब अपना कमाल दिखा नहीं पाए। इन्हें बनी बनाई हुई स्टोरी, टाइटल, नाम के साथ वीडियो क्लिप्स तक मिला, पर फिर भी ये लोग मूवी को देखकर एंजॉय करने लायक बना नहीं पाए। माफ करना लेकिन आप भी अगर ये फिल्म देखोगे तो यही कहोगे, लोग कितनी उम्मीद लगाए बैठे थे यार कि सुपर हीरो मूवी देखने मिलेगा, पर सारी उम्मीदों पे इन्होंने पानी फेर दिया यार। और इसके बाद इन्होंने अच्छा खासा बनी बनाई हुई सीन को भी और भी ज्यादा खराब कर दिया है। भाई देखिए, इसी मूवी के साथ यार मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म आई थी जिसे बहुत लोगों ने पसंद किया था, लेकिन ये मूवी तो कॉपी करके भी फेल हो गया यार। खैर छोड़ो भाई, जो हुआ सो हुआ। पर क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था या अब पता चल रहा है, कमेंट करके हमें बताना। तो भाई बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना।